चीज़ है यहाँ पे, जितना चीज़ दिख रहा है ना वही विलेज के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए देखते देखते पूरा ब्रिज भर गया है। अब हम लोग जाएंगे गाड़ी की ओर। यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के टहलना चाहिए। आप लोगों को मेघालय घूमने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को गाड़ी चाहिए, फोर व्हीलर। आखिर दो जन, चार जन, पांच जन जो भी आइएगा तो आपको गाड़ी रिजर्व भी करना पड़ेगा। तो रिजर्व करने के लिए हम बता दें, ये भैया ठीक से संपर्क कीजिएगा आप लोग, और इनका नंबर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और दूसरा नंबर है, और क्या बोलते हैं, और नंबर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम नंबर देंगे। दोस्तों वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो डाउकी से शिलोंग जाने के बीच में जितना सारा कुछ मिलेगा इसी ब्लॉग में आप लोगों को मिलेगा। तभी हम लोग पहुँचे हुए हैं, क्या बोलते हैं, बॉब हिल में। तो यही बॉब हिल है, ये ब्रिज देख सकते हैं, ये वाटरफॉल है यहाँ पे, और ये देखिए पहाड़, यही पहाड़ से पानी गिरता है। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं बहुत ढेर सारे लोग हैं जो फिशिंग कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए फिशिंग कर रहे हैं, यही वाटरफॉल है। और ये जो दिख रहा है ये सब बांग्लादेश है, और ये इंडिया है, और ये वो जो रेड कलर का दिख रहा है ना वो बांग्लादेश है। तो बड़ा वाला वाटरफॉल दिखा रहा है आप लोगों को, कहीं कि यहाँ पे ये ही है। देखिए यहाँ से आता है पानी, जितना है ना यहाँ से आता है, ऐसे करके नीचे जाता है इधर। ये जो वाटरफॉल का पानी है ना ये पहाड़ों से आता है, और बोलते हैं ना बहुत ही शुद्ध होता है ये, यहाँ से जाता है ऐसे करके नीचे जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये पहाड़ से पानी नीचे आता है धीरे 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 ऐसे करके नीचे आता है और यहाँ पे गिरता है। देखिए यहाँ पे गिरता है और यहाँ से फिर ये ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करते हुए इस साइड आता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फिर यहाँ से निकलता है, ऐसे ऐसे होते हुए वो नदी में मिल जाता है, जो बांग्लादेश का नदी इसके पहले वाला ब्लॉग में देखे थे उसमें मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए पहाड़, यहाँ पे सब रुक के आते हैं दूर दूर से टूरिस्ट लोग घूमने के लिए। बोले ना पीछे यहाँ पे मेघालय बोले, तो मेघालय जितना भी घूमिएगा ना अधिकतर वाटरफॉल ठीक और बादल के लिए जाना जाता है, पहाड़ के लिए बस यही सब मिलता है यहाँ पे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो चलिए दोस्तों गाड़ी यहाँ से कुछ ही दूरी पर खड़ा किए हुए हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो वायर दिख रहा है ना ये वाला, ये इंडिया है। हम लोग इंडिया में चल रहे हैं, और वो जो है ना बांस का पेड़, वो सुपारी का पेड़, वो सब ना बांग्लादेश में। ये रहा बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश का गाय गोरु दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है? देखिए ये रहा गाय गोरु चल रहा है, देखिए बांग्लादेश में। और वहाँ पे धान का खेती हो ही रहा है, देखिए बांग्लादेश में भी रोड है नीचे। बेस्ट
उस टाइम में। तो दोस्तों दूसरे लोकेशन से पहुंचने का यहां से है, बट यहां पे पार्किंग लगता है 50 रुपया। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, और देखिए यहां से ये जो सीढ़ी है ऊपर जाना पड़ेगा। यहां पे खाली पार्किंग चार्ज लगता है और कुछ नहीं, और यहां से इसे करके जाया जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा। तो आप लोगों को बताया नहीं, सेकंड लोकेशन जो है ना रूट ब्रिज है, मतलब जड़ से बना हुआ पुल, वो दिखाएंगे आप लोगों को। और ये देखिए तेजपत्ता का पेड़, ऐसे देखिए यही रास्ता होते हुए जाएंगे हम लोग। उधर भी पानी गिर रहा है, पानी का साउंड आ रहा है। तो दोस्तों देखिए कितना क्या करके लगता है। दोस्तों हमको तो लग रहा था यहाँ पे फ्री है, बट चल के दिखाते हैं पैसा लगता है कि नहीं लगता, वो भी दिखाएंगे। हाँ अभी ना 40 रुपये करके टिकट है, और यहाँ पे वाटरफॉल है और रूट ब्रिज है, एक साथ दो दो चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए प्रथम से आया जाता है, तो यही रूट ब्रिज है, ये वाला जो दिख रहा है सामने यही है, इसको नीचे से भी देख पाएंगे। तो ये देखिए ये रूट ब्रिज है, दोस्तों देख सकते हैं ये वाला जो है ना, ये वाला यही ब्रिज है रूट ब्रिज। तो ये जो सामने वाला पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला बड़ा वाला, इसी का पेड़ से ये पुल बना हुआ है, और साथ में ये नदी टाइप का झरना है जो उधर से बहते हुए, नदी ही समझिए, बहते हुए इधर से उधर जा रहा है, गजब का है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इधर ऊपर पहाड़ में भी जा सकते हैं, इधर इसे घूमने उमने का अच्छा है। अधिकतर जन तो नीचे ही फोटो क्लिक करवा रहे हैं, और हम भी नीचे आप लोगों को ले चलेंगे, बट हम इधर से नहीं ले चलेंगे, हम उधर से ले चलेंगे। बोले नहीं, ये सब जो है ना यहाँ पे अधिकतर नेचुरल जगह है, और यही हम लोगों का दूसरा स्पॉट है। ये जो है ना पुल इधर जो सामने दिख रहा है, यही दूसरा स्पॉट है, और ये झरना भी अच्छा लग रहा है, इसके साथ बोनस है। और कहीं भी यहाँ पे जाने का चार्ज लगता ही लगता है, तो आप लोग आइएगा तो थोड़ा जेब को गर्म करके आइएगा, ठंडा से काम नहीं चलने वाला है। तो अब यहाँ से हम लोग नीचे चलेंगे। तो
तो बस यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ गए। देखिए ये वाला आ गए इधर, और ये पानी देखिए कितना साफ है, ये पहाड़ से गिरा हुआ पानी है ना तो साफ ही रहता है। और यही है रूट्स ब्रिज। यहाँ से और भी नीचे जा सकते हैं, इधर को जा सकते हैं, यहाँ से उधर नीचे जा सकते हैं, बट और कुछ है नहीं दिखाने को। इधर नीचे कुछ रहता दिखाने को तो दिखाता है, बस ये पानी यहाँ से गिरता है फिर वहाँ से नीचे थर्ड स्टेट पे गिरता है, उसके अलावा कुछ नहीं। के बाद तीसरा लोकेशन पे ले चलते हैं आप लोगों को, तो देखते हैं वहाँ पे जाने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों ये विलेज में घुसने का ना 200 रुपये पर कार का है। अब देखिए यही रिसिप्ट मिलेगा, ये वाला जो रिसिप्ट है ना, ये रिसिप्ट मिलेगा ये वाला। लोगों का लास्ट लोकेशन ये विलेज है। ये विलेज इसलिए जाना जाता है कि ये बहुत ही स्वच्छ है, जिसके वजह से टूरिस्ट लोग यहाँ पे आके विजिट करते हैं। और ये रहा पार्किंग, देखिए पार्किंग कितना बड़ा है। यहाँ से एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे खाना पीना भी मिलता है, आप लोग खा पी सकते हैं। तो यही लास्ट व्यू पॉइंट है हम लोगों का, और यहीं घूमना बाकी रह गया था डाउकी टू सिलोंग के बीच में, यही गांव है ना। पीछे खाना वाना भी मिलता है खा पी के, यहाँ से डायरेक्ट क्या बोलते हैं विलेज घूमने के बाद खाना पीना खाओ, और खाने के बाद डायरेक्ट सिलोंग। तो ये एशिया का सबसे क्लीन विलेज है, और तो दोस्तों ये वाला जो दिख रहा ना, इसके अंदर में ये वाला ना पिक्चर प्लांट है, इसके अंदर में कीड़ा घुसेगा तो इसका ढक्कन बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर में लगता कुछ है, हिलाने से पता चल रहा कुछ है। यहाँ पे जितनी चीज़ दिख रहा ना वही विलेज के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसका एंट्री पॉइंट यहाँ से है, और ऐसे करके जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे बांस का ब्रिज बना हुआ है ये वाला, ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए है। यहाँ पर भी आप लोग घूम सकते हैं, भी जाइए ना तो आप लोगों को मनी तो देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, बिना पेमेंट के तो आप लोग जा ही नहीं सकते हैं। यहाँ से एंट्री पॉइंट है विलेज का, और उधर से आए तो एग्जिट पॉइंट, और ये रहा एग्जिट पॉइंट। ऊपर में मचान बनाया गया है व्यू पॉइंट के लिए, और ब्रिज से चढ़ सकते जैसे सीढ़ियों से, बांस का सब कुछ बना हुआ है। होम स्टे भी है, होम स्टे कर सकते हैं इस विलेज में, बहुत ही क्लीन है। भारत क्या पूरे एशिया में है इसका जैसा क्लीन विलेज कोई भी नहीं है, देख सकते हैं चारों तरफ। तो देख लीजिए गांव, यहाँ पे इस विलेज में होम स्टे कर सकते हैं आप लोग।
और जितना मतलब नाम है ना उसके हिसाब से भी दिख रहा है। और देखिए ये बैठने वाला बनाया गया है, ये भी लकड़ी का, और ये सब में होम स्टे कर सकते हैं सर। होम स्टे ना यहाँ पे हर एक घर के पास बोर्ड लगा हुआ होम स्टे होम स्टे होम स्टे। देखिए इधर 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 विलेज के साथ साथ हम आप लोगों को होटल भी दिखाएंगे। देखते हैं दो होटल, देखें दोनों होटल बंद था। देखिए यहाँ पे भी होम स्टे कर सकते हैं। ये सब जितना है ना, इधर देखिए ये रेस्टोरेंट है बट बंद है। इधर देखिए स्टे कर सकते हैं, ये सब रूम वूम लेके यहाँ पे आराम से हॉलीडे बिता सकते हैं आप लोग। टाइम से ना बोलते बोलते हम ना थक गए, और थकने के वजह से आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है। तो दोस्तों एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और थोड़ा मोड़ा आप लोगों को दिखाते हैं। ये सब देखिए, ये सब तो दिखाए आप लोगों को, ये एशिया का सबसे स्वच्छ और चर्च बच्चा था उसको दिखा लेते हैं। हाय, ये रहा चर्च, गांव के अंदर ही है, दो दो चर्च है, एक यहाँ पे है एक उधर ही था। बाय। तो दोस्तों एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो कि मेघालय में पड़ता है, और इसी स्वच्छ गांव के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम लोगों का मेघालय टूर समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।